राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को बताया नाकाम, बोले किसान परेशान, महंगाई आसमान पर। प्रतिज्ञा यात्रा को हरी झंडी दिखाई प्रियंका गांधी ने, बाराबंकी के हरक बाजार से रवाना हुई यात्रा, यूपी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ प्रतिज्ञाएं। करवा चौथ को लेकर बाजार गुलजार, बाजारों में दिखी महिलाओं की भीड़, खरीदारी करती दिखी महिलाएं, कोरोना के बाद बाजारों में दिखी रौनक। पहला ओबीसी सम्मेलन का आगाज, ओम प्रकाश राजभर का आया बयान, राजनीति में ना कोई किसी का दोस्त है ना कोई दुश्मन। वरुण गांधी ने फिर उठाया किसानों का मुद्दा, कहा आज कृषि नीति पर पुनर्चर्चित करने की जरूरत। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शुभम है, उत्तर प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। रुख करते हैं उत्तर प्रदेश बुलेटिन की तरफ। दीपोत्सव के महान पर्व में शामिल होने धर्मनगरी अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन की सूचना को लेकर राम की पैड़ी स्थित रामादल ट्रस्ट ने प्रधानमंत्री को संबोधित आमंत्रण पत्र भेजा है। श्री राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास को देकर श्री राम लला के सम्मुख भेजा गया, जो श्री राम लला के दरबार में हाजिरी लगाते हुए प्रधानमंत्री को भेजा गया। वहीं रामादल अध्यक्ष पंडित कल्की राम ने कहा कि 5 अगस्त को हुए भूमि पूजन में कोरोना काल के चलते आमंत्रण पत्र नहीं दिया गया था, लेकिन वर्तमान में स्थिति सामान्य है। रामादल ट्रस्ट ने आज पत्र के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को दीपोत्सव कार्यक्रम के दौरान रामादल पे आने का भी निमंत्रण पत्र रामलला के दरबार में पहुंचाया है। वह पत्र अगले दिन मुख्य पुजारी से प्राप्त करते हुए प्रधानमंत्री की सेवा में डाक द्वारा भेजा जाएगा। पिछली बार भूमि पूजन पे प्रधानमंत्री जी का आगमन हुआ, उस समय कोरोना का कहर पूरी दुनिया में फैला हुआ था, ऐसे में आमंत्रण देना उचित नहीं था। रामादल ट्रस्ट विगत 8 वर्षों से माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयासों की सफलता, उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायुष जीवन के लिए एक वृहद अनुष्ठान कर रहा है, जिसमें श्री राम जन्मभूमि पर परंपरागत रूप से फहराया जाने वाला धर्मध्वज विगत 8 वर्षों से जन्मभूमि पर फहराया जा रहा है, 4 वर्षों से सभी प्रमुख पर्वों पर। वहीं अब अगली खबर प्रतिज्ञा यात्रा से जुड़ी है, जहां लखनऊ से बाराबंकी के लिए प्रियंका गांधी रवाना हुई थी। प्रतिज्ञा यात्रा को हरी झंडी दिखाई है उन्होंने और बाराबंकी के हरक बाजार से ये यात्रा रवाना हो चुकी है। यूपी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की 7 प्रतिज्ञाएं हैं। पहली प्रतिज्ञा 20 लाख सरकारी नौकरी देंगी, दूसरी प्रतिज्ञा किसानों का कर्ज माफ होगा, तीसरी प्रतिज्ञा गेहूं धान का मूल्य 2500 का 400 होगा, चौथी प्रतिज्ञा गरीब परिवारों को 25,000 रुपए देंगे, पांचवी प्रतिज्ञा बिजली बिल आधा करेंगे, छठी प्रतिज्ञा छात्राओं को स्कूटी मोबाइल मिलेगा, सातवीं प्रतिज्ञा चुनाव में महिलाओं को 40% टिकट दिया जाएगा। तो इन 7 प्रतिज्ञाओं को बाराबंकी से हरी झंडी दिखाकर प्रियंका गांधी ने रवाना कर दिया है और अब ये 7 प्रतिज्ञाएं सामने आई हैं, जिसमें ये वचन दिया गया है, ये वादे किए गए हैं कि ये काम किए जाएंगे, जिसमें महिलाओं को सीट देने की बात कही गई है। पहली प्रतिज्ञा है कि 20 लाख सरकारी नौकरी दी जाएगी, जो अहम मुद्दे दिखाई दे रहे हैं, खास तौर से देश के साथ साथ यूपी चुनाव में जो खास मुद्दे हैं उन्हीं 7 मुद्दों को लेकर ये प्रतिज्ञा यात्रा निकाली गई है। तो लोगों तक इसकी जानकारी पहुंचाने के लिए ये यात्रा निकाली गई है और अब हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता अश्विनी जुड़ चुके हैं लाइव। अश्विनी, जिस तरह से ये प्रतिज्ञा यात्रा निकाली गई है, पहले तो हम प्रियंका गांधी के पूरे रूट के बारे में जानना चाहेंगे कि वो कहां से निकली और कितने बजे वो पहुंची है। कुछ ही देर पहले प्रियंका गांधी वास्तव में जो है जो कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा है उसको हरी झंडी दिखा के रवाना कर दिया है जी। जो प्रतिज्ञा यात्रा है उसको हरी झंडी दिखाई गई है। ये प्रतिज्ञा यात्रा 3 चरणों में होगी, जो सहारनपुर और वाराणसी में भी इसके साथ प्रतिज्ञा यात्रा होगी। आज उन्होंने बाराबंकी से हरी झंडी दिखाई है, इसके बाद सहारनपुर और वाराणसी में भी एक एक दिन सम्मिलित होंगे और हरी झंडी दिखाते समय उन्होंने 7 वचन दिए हैं जो है जनता को, जिसमें उन्होंने कहा है कि महिलाओं को 40% जो है आरक्षण दिया जाएगा टिकट में
और जो युवा है उनके लिए बड़ी सौगात है, क्योंकि जो लड़कियां हैं उनको जो है लड़कियों को बढ़ावा देने के लिए और लड़कियों को आगे लाने के लिए जो इंटर पास लड़कियां हैं उनको स्कूटी दी जाएगी, वहीं जो टेंथ पास लड़कियां हैं उनको स्मार्टफोन दिया जाएगा, और उसके बाद साथ ही किसानों का जो ऋण है वो माफ किया जाएगा और किसानों की आय में बढ़ोतरी की जाएगी और उनका जो समय से भुगतान किया जाएगा, 20 लाख सरकारी नौकरियां दी जाएंगी और गेहूं के जो खरीद मूल्य का है उसका बढ़ा के जो है समय से भुगतान किया जाएगा, गरीब परिवारों को 25 लाख रुपए की आर्थिक मदद मिलेगी। इन सब ये वचन दिए हैं प्रियंका गांधी ने और जो इनका प्रतिज्ञा यात्रा का नारा भी है कि हम वचन निभाएंगे, इस नारे के साथ इन्होंने प्रतिज्ञा यात्रा की शुरुआत की। तो अश्विनी हम ये मान सकते हैं कि अपने जो 7 वचन है उसको जनता के बीच पहुंचाने के लिए ही ये यात्रा निकाली गई है, क्या प्रियंका गांधी भी उस जगह जाएंगे जहां पे ये प्रतिज्ञा यात्रा होगी? वो बता दें कि कांग्रेस के जितने भी बड़े नेता हैं वो इस प्रतिज्ञा यात्रा में शामिल है, प्रतिज्ञा यात्रा 3 चरणों में। प्रियंका गांधी ने आज बाराबंकी से जो है जनता को संबोधित करते हुए प्रतिज्ञा यात्रा को हरी झंडी दिखाई, इसके बाद जब वो एक दिन सहारनपुर और एक दिन वाराणसी में भी प्रतिज्ञा यात्रा में शामिल होंगी और जो उन्होंने प्रतिज्ञा यात्रा में जनता को संबोधित करते हुए जय हिंदुस्तान जय किसान के नारे के साथ अपने संबोधन समझो, और देखा जाए तो किसान जो है अभी भी भारतीय जनता पार्टी नाराज चल रहे हैं, तो ऐसे में कांग्रेस की महासचिव राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी का जो है कांग्रेस को जो किसान है उनको साधने का एक बड़ा प्रयास है, किसानों के लिए भी उन्होंने कई वादे किए हैं और इस प्रतिज्ञा यात्रा में जो वचन दिए हैं उसमें भी किसानों के लिए बड़ी चीजें जो है उनको वादे किए गए। अश्विनी 40% टिकट देने का वादा किया गया है महिलाओं को, तो क्या अब महिलाओं के जरिए यूपी का चुनाव जीतने की तैयारी में है प्रियंका? जी देखिए आपको बता दें कि जो है उत्तर भारत देश में जो है महिलाओं की 50% भागीदारी है, तो उनको राजनीति में 50% भागीदारी देने के लिए इसी वजह से ज्यादा से ज्यादा जो महिलाएं हैं वो कांग्रेस से जुड़े और कांग्रेस का जो महिला विंग है वो मजबूत हो सके, इसको लेकर के जो है प्रियंका गांधी ने एक महिला कार्ड खेला जिसमें उन्होंने कहा 40% महिलाओं को जो है अलग से आरक्षण दिया जाएगा, जिसमें 40% जो टिकट की सीटें हैं वो महिलाओं के लिए रिजर्व रहेगी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता अश्विनी जुड़े थे, तो जिन्होंने बताया कि किस तरह से पूरा कार्यक्रम होगा। प्रियंका गांधी ने आज हरी झंडी दिखाई है और जो 7 वचन की बात कही गई है उसको जनता तक पहुंचाने की पूरी कोशिश में है, क्योंकि वादे तो बहुत करते हैं सरकारों की तरफ से, वो पक्ष हो विपक्ष हो, लेकिन वो जनता तक पहुंचे इसके लिए भी काफी कार्य करना पड़ता है, जिसके लिए ये यात्रा निकाली गई है। प्रदेश सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्री नंद गोपाल नंत्री अयोध्या पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि अयोध्या को लेकर प्रधानमंत्री ने समीक्षा की थी, किस प्रकार से नगरी बनाई जाएगी। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो रामराज्य की परिकल्पना है उसी पर आधारित पूरा इसकी भव्यता सुंदरता में प्राण डाला जाए, इस प्रकार का भाव प्रधानमंत्री के द्वारा था। उन्होंने कहा कि दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं होगी जैसी अयोध्या है। उन्होंने कहा अयोध्या एयरपोर्ट के लिए लगभग 600 एकड़ भूमि खरीदनी थी जो कि लगातार प्रगति पर है और लगभग 70% से ज्यादा जमीन खरीदी जा चुकी है और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने टेंडर भी भर दिया है और जल्द ही अयोध्या का एयरपोर्ट का निर्माण का कार्य शुरू होगा। इस देश की बागडोर एक परम तपस्वी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों में सुरक्षित है और इस प्रदेश की बागडोर एक कर्मयोगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, हमारे दोनों महान नेताओं के नेतृत्व में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। माननीय उच्चतम न्यायालय से जिस दिन से फैसला आया उसके बाद लगातार मंदिर अपने भव्य स्वरूप की ओर अग्रसर है और अभी मैं महीने डेढ़ महीने पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे अयोध्या की समीक्षा की थी कैसा अयोध्या होगा। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो राम राज की परिकल्पना है उसी से आधारित उसी पर आधारित पूरा इसकी भव्यता इसकी दिव्यता इसकी सुंदरता और इसमें मतलब प्राण डाला जाए, इसमें आत्मा हो, ऐसा माननीय प्रधानमंत्री जी का भाव था। तो दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं होगी जैसी
अयोध्या है लोग देखने घूमने और इसका दर्शन करके प्रभु श्री राम का। 2022 चुनाव से पहले जहां सभी राजनीतिक दलों ने चुनावी रण में बिगुल फूंक दिया है, तो वहीं ओम प्रकाश राजभर भी, सुहेलदेव व भारतीय समाज पार्टी ने भी सपा के साथ चलकर 2022 में बाइसिकल चलाने का मन बना लिया है। जहां एक ओर सभी राजनीतिक दलों से अलग अलग गुफ्तगू कर चुके राजभर ने समर्थन का आश्वासन हर दल को दे रखा था, वहीं अखिलेश के साथ उनकी बातचीत रंग ले आई है। 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी की साइकिल पर बैठकर राजभर प्रदेश से बीजेपी का सफाया करने का मन बना चुके हैं। अखिलेश के साथ गठबंधन की बात सामने आने के बाद ओम प्रकाश राजभर ने कानपुर देहात के सिकंदरा विधानसभा में पहला ओबीसी सम्मेलन का आगाज किया है। कोई लड़ाई नहीं है, एक तरफा जनता तैयार है, बदलाव चाहती है। प्रदेश में आप देखिएगा 2022 में भारतीय जनता पार्टी की जमानत नहीं बचेगी, कोई टिक नहीं पाएगा। पूर्वांचल में 150 सीट जीतने नहीं दूंगा, पटक के चढ़ बैठूंगा, छाती का हाथ टूट जाएगा जो उधर डोलेगा। ये ओम प्रकाश राजभर है, आया हूँ पश्चिम में, चलूंगा बुंदेलखंड। तुम नहीं मानते हैं कि ये चक्रव्यूह है? कुछ नहीं है, ये भाजपा गई। क्या 2022 में मोदी लहर नहीं चलेगी? कुछ नहीं, मोदी दुनिया में अगर झूठ बोलने वाला कोई नेता है तो उस नेता का नाम है नरेंद्र मोदी। चाय बेचते थे, देश बेचने लगे। मैं सौगंध मुझे इस मिट्टी की, देश नहीं बिकने दूंगा। रेलवे बेच दिया, बैंक बेच दिया, LIC बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, कोयले की खदान बेच दिया, पूरा देश में बेच दिया। इनके जो चुनावी घोषणा पत्र में था कि देश बेचेंगे, महंगाई, आज पूरे देश में महंगाई से पूरे देश की जनता त्राहिमाम त्राहिमाम कर रही है। ये इन लोगों को मोतियाबिंद हो गया नहीं दिखाई दे रहा है कि महंगाई क्या कर रही है? कोई नाम ले, गंगा में देखना ही रहे, प्रतापगढ़ में सांसद का जो है फाड़ दिया जो कुर्ता सुरता, देखा ना आपने? अयोध्या में देखा, एटा में देखा है आपने, फरुखाबाद में देखा, सांसद विधायक बंगाल में हुआ था, खेला हो बे, उत्तर प्रदेश में खदेड़ा हो बे, किसान बैठा है खदेड़ा हो बे, इधर वंचित बैठा हुआ है खदेड़ा हो बे। चलो, चुनाव के नजदीक आते ही सभी पार्टियों के लोग अपने दल का प्रचार करने और लोगों से वोट के लिए अपील करने लगे हैं। इसी कड़ी में औरैया के बिधूना में समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व राज्य शिक्षा मंत्री राम आश्रय विश्वकर्मा ने अपने समाज के लोगों के साथ चौपाल लगाकर कई बातें कही। पूर्व राज्य शिक्षा मंत्री ने समाजवादी पार्टी की उपलब्धि गिनाई। वहीं पूर्व मंत्री ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि इस सरकार में कानून व्यवस्था काफी ज्यादा खराब हुई है और प्रदेश के हर इलाके में अपराध बढ़ता ही जा रहा है। इसी के साथ उन्होंने आने वाले चुनाव में सपा पार्टी की जीत का दावा भी किया। 2022 के चुनाव को जीतने के लिए समाजवादी पार्टी पूरी तरह से तैयार है और बूथ से लेकर के विधानसभा तक हर स्तर पर तैयारी हो रही है और हमें पूरा विश्वास है कि इस बार समाजवादी पार्टी 350 प्लस सीटें जीत करके स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाएगी माननीय श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में। हमीरपुर में किसान खाद की किल्लत से बहुत परेशान है। खाद्य केंद्रों में किसान खाद लेने के लिए लंबी लाइनों में दिखाई दे रहे हैं, पर अफसोस इस बात का है कि किसी को खाद मिल पाती है तो किसी को बेरंग खाद के ही घर लौटना पड़ता है। किसान खाद लेने के लिए हफ्तों खाद केंद्रों के चक्कर लगाने को मजबूर होते हैं। समय पर खाद ना मिलने से किसानों के काम खासा प्रभावित हो रहा है। खाद ना मिलने से नाराज किसानों ने हाईवे जाम कर दिया है और जमकर हंगामा करने लगे। इस जाम से हाईवे में आवागमन बाधित हो गया है। इसकी जानकारी जैसे ही मौदहा कोतवाली पुलिस को हुई, वो मौके पर पहुंच गई और किसानों को समझा बुझा कर जाम खुलवाया गया और किसानों की मदद करते हुए उन्हें कार्रवाई का आश्वासन भी दिया गया। अरे रोज किसानी के लिए खाद के लिए आते हैं, सुबह आना, शाम को आना, सुबह जल्दी आ जाना, लाइन लगाना, 4 बजे से लाइन लगाए खड़े, अभी 11 बजने जा रहा है। कर्मचारियों का टाइम नहीं हुआ कि खोलने के लिए कि कब खोला जाएगा। ये कर्मचारी नौकरी करते हैं कि घर में आराम करना चाहते हैं? किसान बेचारा इस तरीके से, अभी ललितपुर में एक किसान 2 दिन से लाइन लगाए लगाए मर गया। इस तरीके से चाहते हैं, मर जाए जिंदा रहे, इनको आराम से कोई मतलब है नहीं। खाद के लिए बैठे हैं, 5:30 बजे से लाइन लगाए,
खाना आप यहीं पे खा रहे हैं? खाना क्या करें, अब सुबह कोई खाना बनाने वाला नहीं है, सुबह आ गए यहीं। अच्छा, तो क्या आसार है, आपको खाद मिल जाएगी? अब उम्मीद लगाए तो बैठे हैं, अगर ना मिली तो? ना मिली तो क्या करेंगे फिर, रोड चक्कर। कानपुर देहात के मूसा नगर में स्थित 100 शैया बीआरडी हॉस्पिटल का केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने फीता काट कर उद्घाटन किया। वहीं उद्घाटन के अवसर पर हॉस्पिटल में जनपद वासियों के लिए निशुल्क स्वास्थ्य शिविर कैंप का आयोजन किया गया है। निशुल्क कैंप में पहुंचे सैकड़ों लोगों ने अपने स्वास्थ्य का परीक्षण कराया और इस दौरान कई मंत्री और विधायक भी मौजूद रहे। इस यमुनावल क्षेत्र में अभी तक एक भी हॉस्पिटल नहीं था। मूसानगर से अगर किसी कोई भी समस्या होती थी, घाटमपुर आया कानपुर अकबर को भागना पड़ता था। पता चले जितनी देर में हमें आज किसी भी व्यक्ति को लेकर घाटमपुर कानपुर गए, उतनी देर में उसके साथ कोई कैजुअलिटी हो। भगवान ने ऐसा मुझे प्रेरणा दी, बाबा ने ऐसा आशीर्वाद दिया। उनकी इच्छा हुआ करती थी, जब कभी उनके साथ बैठता था, उनको इच्छा हुआ करती थी इस क्षेत्र में ना तो शिक्षा की व्यवस्था है, ना इस क्षेत्र में अस्पताल की व्यवस्था है। ऐसा अगर कुछ हो जाए, भगवान कृपा से कुछ ऐसा हो जाए तो अच्छा होता। मुझे लगता है आज जो उन्होंने सोचा था हमारे बाबा ने, आज उनका सपना साकार हमारे घर परिवार द्वारा हुआ है। बहुत ही सराहनीय कार्य है। विजय सोनी के पूरे परिवार को मैं शुभकामना देती हूँ। मुझे लग रहा है कि शिक्षा, चिकित्सा और रोटी कपड़ा, ये व्यक्ति के लिए मूलभूत सुविधाएं हैं। उसमें से शिक्षा भी, शिक्षा का भी केंद्र है, चिकित्सा का भी केंद्र शुरुआत हुई है। मैं इसके लिए जितना भी सराहना कर। पुरानी पेंशन बहाली के लिए रायबरेली में कर्मचारियों ने पैदल यात्रा निकाली। सैकड़ों की तादाद में कर्मचारी और शिक्षक नगर भ्रमण के बाद कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां कर्मचारियों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ऑल टीचर्स एंड एम्प्लॉय वेलफेयर एसोसिएशन यानी इटावा के बैनर तले आयोजित इस पैदल यात्रा में सैकड़ों शिक्षक और कर्मचारी शामिल रहे। अटेवा की मांग है कि 2004 के बाद भर्ती कर्मचारी और शिक्षकों को एनपीएस की जगह पुरानी दी जाए। कर्मचारियों ने स्पष्ट किया कि अगर उनकी बात नहीं मानी जाती है तो आगामी 21 नवंबर को लखनऊ में अटेवा के बैनर तले प्रदेश भर के शिक्षक और कर्मचारी प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे। अटेवा के जिलाध्यक्ष का कहना है कि उनके संगठन का संकल्प है कि निजीकरण और एनपीएस को पनपने नहीं देंगे और सरकार को इसे वापस लेना ही होगा। इस पदयात्रा में सैकड़ों की तादाद में महिला शिक्षक और कर्मचारी भी शामिल रहे। आज प्रांतीय आवाहन पे एनपीएस निजीकरण भारत छोड़ो पदयात्रा में हमारे सभी रायबरेली के शिक्षक और कर्मचारी शामिल हैं और हम सरकार से ये मांग करते हैं कि हमारी पुरानी पेंशन बहाल की जाए। और यदि हमारी पुरानी पेंशन नहीं बहाल की जाती है, इन मांगों को हम प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री तक पहुंचा रहे हैं। इसके बाद 21 नवंबर को पूरे प्रांत के कर्मचारी और शिक्षक लखनऊ के इको गार्डन में इकट्ठे होंगे और सरकार से पुरानी पेंशन बहाली की मांग। हिंदू धर्म में करवा चौथ का त्योहार सबसे अहम त्योहारों में से एक है। इसे सबसे कठिन व्रत भी माना जाता है। इस दिन सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए पूरे श्रद्धा और भक्ति के भाव से व्रत रखती हैं। पूरे दिन बिना अन्न खाए और जल पिए ये व्रत अपने पति की लंबी आयु के लिए रखती हैं। रात में चांद का दीदार करके अपने पति के हाथों जल ग्रहण करके इस व्रत को तोड़ती हैं। वहीं रायबरेली में कोरोना संक्रमण कमजोर पड़ने के साथ ही बाजारों में रौनक लौट आई है। महिलाएं जमकर शॉपिंग कर रही हैं। साड़ियों की दुकान पर भीड़ उमड़ पड़ी है। इसके अलावा कॉस्मेटिक और चूड़ियों की दुकानों पर भी अच्छी खासी भीड़ देखी जा सकती है। महंगाई का कुछ असर जरूर है, लेकिन करवा चौथ त्योहार के सामने महिलाएं इन खर्चों को नजरअंदाज कर दे रही हैं। भैया, पिछले साल जो कोरोना में व्यापारियों ने लाश उठाया है, उसको देखते हुए उस ये कवर हो रहा है व्यापार, समझ लीजिए। आपकी करवा बहुत अच्छा जा रहा है। कुछ महंगाई का असर दिख रहा है? नहीं, महंगाई का कोई असर नहीं दिख रहा। कस्टमर डेली कितने आ रहे होंगे? सुबह शाम तक फुर्सत नहीं रहती। किन साड़ियों की डिमांड ज़्यादा है आपकी बार? प्रिंटेड सिंपल में, सिंपल सोवर प्रिंटेड साड़ियाँ और प्लेन बॉर्डर कंसेप्ट। और जिन लोगों के यहाँ शादियाँ हैं वो लोग थोड़ा बहुत वर्क की भी देख रहे हैं।
कलश लिया है, दियाली ली है, सीके ली हैं, कैलेंडर लिया है और अन्य पूजा का सामान अभी और लेना है। कितने महंगी है कि सस्ती है, इस बार महंगाई का असर है? हाँ, पिछले बार के अपेक्षा कुछ तो महंगाई बढ़ी है। और कोरोना कोई डर लग रहा है इस बार? नहीं, अभी तो फिलहाल माहौल सही लग रहा है, लोग वैक्सीनेशन भी हो गया है, काफी लोगों को डबल डोज लग चुकी है। कितने सालों से व्रत रख रही हैं? लगभग 3 साल से। पति की लंबी आयु के लिए रखा जाने वाला करवा चौथ का व्रत इस समय बाजार में भारी भीड़ उमड़ी है। हम दिखाएंगे, कैमरामैन से कहेंगे तो दिखाए, यहाँ पर ये साड़ी की दुकान है, यहाँ पर कहीं भी पैर रखने की जगह नहीं है। महिलाएं जो हैं वो सब खरीदारी के लिए बाजार में आई हैं। हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, आइए जानते हैं क्या कहना है, क्या पड़ते हैं आपका? मीना सिंह। आज यहाँ आप खरीदारी के लिए आए हैं, तो किस तरह करवा चौथ की तैयारी है? करवा चौथ सुहाग का व्रत होता है, महिलाएं अपनी पति की लंबी आयु के लिए करवा चौथ का व्रत करती हैं, तो पति लोग भी खुश होते हैं और फिर वो गिफ्ट देते हैं, महिलाएं अपनाती हैं, सुहाग का सामान खरीदती हैं, साड़ी खरीदती हैं, कुछ लोग अपने सास को भी गिफ्ट देते हैं, तो उसमें साड़ी, कपड़े, ड्राई फ्रूट्स वगैरह सारी परचेजिंग होती है, चूड़ियाँ, ज्वेलरी वगैरह सब परचेज करके ले जाते हैं, फिर सारा दिन व्रत रहते हैं, शाम को चांद को देख के रख देते हैं, 40 समाप्त व्रत करते हैं। आज क्या खरीदा? आज अभी साड़ी खरीदने आए हैं, अभी हम देख रहे हैं, अभी लिया तो नहीं, पसंद कर रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं। कितने सालों से व्रत रखे हैं? जब से शादी हुई है तब से रह रहे हैं। तो हमारे साथ कुछ महिलाएं और हैं, आइए जानते हैं इनका क्या कहना, क्या पड़ती है। मेरा नाम निशा सिंह है। आप आज यहाँ खरीदारी करने गए, क्या खरीदा? खरीदारी करने आए हैं, बहू के लिए सूट लेने आए थे, अपने लिए साड़ी लेने आए और करवा लेने आए थे। तो आज जो है बाजारों में भीड़ उमड़ी हुई है, क्योंकि करवा चौथ मनाया जाएगा, जो पति के लंबी आयु के लिए रखा जाता है, चाहे वो चूड़ी की दुकान हो। हमारे साथ एक चूड़ी के ग्राहक भी हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर चूड़ियों की जो है खरीदारी कर रहे हैं। क्या पड़ती है आपका? मेरा नाम है। आज करवा चौथ यहाँ पर भारी भीड़ उमड़ी है, तो कैसे देख रहे हैं कि बाजारों में रौनक तो है? मैं बहुत ज़्यादा रौनक है बाजारों में, और फिर निकल रही घरों से और अपना जो भी उनके घरों से चीज़ें हैं, साड़ियाँ हैं, चूड़ी है, जो करवा चौथ की जो चीज़ें होती हैं। हाँ, ये कहा जाए कि करवा चौथ में महिलाएं जो है बाजारों में काफ़ी संख्या में आई हैं और जो है खरीदारी कर रही हैं। कैमरामैन विपिन के साथ। गोरखपुर में इन दिनों दबंगों के हौसले बुलंद दिखाई दे रहे हैं। क्षेत्र में गश्त कर रहे पुलिसकर्मियों पर मनमाड़ों ने हमला कर दिया। देशी शराब की दुकान के सामने खड़े दबंग युवकों को हड़काना पुलिस को भारी पड़ गया। दबंग युवकों ने पुलिस पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। पुलिस वालों के साथ अभद्र भाषा का भी प्रयोग किया गया। पुलिस वालों के साथ हुई इस मारपीट का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं फरार युवकों की तलाश में अधिकारियों ने कई टीमें लगा दी है। हाथरस की सासनी कोतवाली के गांव चंदैया में ट्रैक्टर निकालने के विवाद के चलते फायरिंग हुई। गोली लगने से एक युवक की मौत हो गई है, जबकि एक घायल हो गया है, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। पुलिस का कहना है कि जांच के आधार पर आगे की कार्यवाही की जाएगी। परिवार के दो पक्षों में गली से ट्रैक्टर निकलने को लेकर झगड़ा हो गया है, जिसमें एक व्यक्ति रॉबिन पुत्र अशोक कुमार की को गोली लग गई, जिन्हें अस्पताल ले जाया गया, वहां उनकी मृत्यु हो गई। सूचना पर तत्काल थाना पुलिस मौके पर पहुंचती है, घटना के बारे में जानकारी करती है। शव को पोस्टमार्टम हेतु मोर्चरी भिजवा दिया गया है। परिजनों की तहरीर के आधार पर 3 लोगों को नामजद कर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। मौके पर पर्याप्त पुलिस बल मौजूद है। कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य है। जो गोली मेरा बेटा ट्रैक्टर लेके आया हो, दूसरे ने ट्रैक्टर अड़ाए दो योगेश के तो आलू लेके आए हो, तो योगेश की ट्रॉली यानी ठाड़ी रास्ता निकलने के पीछे में टाने जो कही क्या ट्रैक्टर हटवा ले, इतने पे गाली गलौज करी है। मेरे बेटों ने नाकाद कही है, तो मेरे दूसरे बेटा में गोली।
लखीमपुर खीरी की 5 तहसीलों में मौजूद शारदा और घाघरा बाढ़ की चपेट में आने से तबाही मचा रही है। बीते दिनों से पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश के चलते बनवसा बैराज से लाखों क्यूसेक पानी शारदा नदी में छोड़े जाने के बाद शारदा और घाघरा नदी का जलस्तर प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद शारदा और घाघरा जमकर तांडव मचा रही है। बाढ़ के पानी से किसानों की फसलें बर्बाद हो गई है। बाढ़ के चलते सैकड़ों गाँव जलमग्न हो गए हैं। लोग अपनी जान बचाने के लिए ऊंचे स्थानों के लिए नाव से पलायन कर रहे हैं। हालांकि बनवसा बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद लखीमपुर खीरी डीएम ने बाढ़ को लेकर अलर्ट जारी किया था और सभी एसडीएम को निर्देश दिए थे कि गांवों में मुनादी कराई जाए और लोगों को ऊंचे स्थानों पर पहुंचाया जाए। मनल कटे हैं लाल नवा कुछ के सब दिखले मरी मरी गांव पर बैठी बैठ अपने 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 नौ जने के धरती गए नहर पर सब गए मरी मरी गए बूढ़ी गई कल नाव थी उसमें कितने लोग मरे थे मर गए हैं नंबर दिल्ली सर सब अपनी बैठे रहे रहे 40 45 बैठे थे। हां उसमें से लोग मरे थे सब सब मर गए क्या लोग आप बता रहे हैं। मिर्जापुर में आयोजित कार्यक्रम में निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय कुमार निषाद पहुंचे। बता दें कि बीहड़ की दस्यू सुंदरी से समाजवादी पार्टी की सांसद बनी फूलन देवी की संपत्ति उनकी मां को देने के साथ ही उन्हें सांसद की मां होने का दर्जा दिए जाने की मांग निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आयोजित कार्यक्रम के दौरान उठाया। संजय निषाद ने कहा कि सपा के बैनर तले फूलन देवी 2 बार सांसद बनी लेकिन उनकी मां को आज तक सांसद की मां का दर्जा नहीं मिला है। ये काम सपा नेताओं का था, उन्हें सम्मान मिलना चाहिए था। सांसद फूलन देवी की संपत्ति का लेखा जोखा जिले के रहने वाले कैलाश चौरसिया रखते थे। उनकी संपत्ति भी अभी तक उनकी मां को नहीं दी गई है, इसलिए हमारी मांग है कि उनका प्रदेश के विकास में योगदान है। इसी के साथ उन्होंने जिले के विकास के लिए अलग से पैकेज देने की मांग की है। कभी बहन फूलन देवी सांसद हुआ करती थी और 2 बार सरकार बनाई थी समाजवादी पार्टी, लेकिन आज उसकी माँ को सांसद की माँ का दर्जा नहीं है, वो अभी भटक रही है। जिस पार्टी की सांसद हो उस पार्टी की जिम्मेदारी बनती है उस पार्टी की अपने सांसद की गरिमा को और उसके स्वाभिमान को सुरक्षित रखे, और नहीं जो कैलाश चौरसिया जी यहाँ हैं, यहाँ के निवासी हैं और वो लेखा जोखा रखते थे बहन फूलन देवी की और उनकी कई 50 करोड़ की प्रॉपर्टी जो लेखा जोखा थी, कोई भी मरता हो उसकी माँ को उसकी विरासत मिलनी चाहिए और कोई और शादी नहीं की थी उसकी विरासत कम से कम समाजवादी पार्टी की जिम्मेदारी बनती थी कि उसकी माँ की विरासत जो थी फूलन देवी की विरासत उसकी माँ को मिलनी चाहिए। उसके लिए मैं एक आवाज़ उठाया हूँ कि फूलन देवी की जो विरासत है उसकी माँ को मिलना चाहिए और उनकी माँ को, अभी मैं सदन में जाऊँगा तो पहली बार आवाज़ उठाऊँगा कि उसकी माँ को MP की माँ का दर्जा मिले, जिसे जो भी न्याय सुरक्षा जो भी हो उसको। रायबरेली के लालगंज कोतवाली इलाके में संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता की मौत हो गई। विवाहिता की मौत पर परिजनों ने खूब हंगामा किया। मृतका के परिजनों ने दहेज के चलते हत्या करने का आरोप लगाया है। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और ससुराल जनों के खिलाफ मिली शिकायत के आधार पर आगे की कार्यवाही करने की बात कही है। मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश की सीमा में लगातार परिवहन कर रहे ओवरलोड वाहनों ने नेशनल हाईवे 719 की हालत को जर्जर करने के साथ ही उसमें जगह जगह पर बड़े गड्ढों को बना दिया है, जिसके कारण आए दिन बड़े हादसे देखने को मिलते हैं। साथ ही रोड पर धूल का गुबार अक्सर देखने को मिलता है। उसी से लेकर कामेट इटावा बाईपास तक रोड पर दुर्घटनाओं को आमंत्रित करने वाले गहरे गड्ढे बने हुए हैं, जिसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। आगरा में गोभी से लदे कंटेनर और कार में भीषण भिड़ंत हो गई। हादसे में सड़क पर कैंटर पलट गई है और वही कार खाई में जाकर गिर गई। हादसे में कार सवार 3 लोग घायल हो गए हैं और एक ही हालत गंभीर हो गई है। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। वहीं कैंटर चालक की इलाज के दौरान मौत हो गई। ताजनगरी आगरा में कुछ समय पहले हुए शराब कांड ने काफी हंगामा मचा दिया था और शराब कांड में कई लोगों की मौत भी हो गई थी। वहीं थाना समसाबाद क्षेत्र में शराब माफियाओं के हौसले फिर से बुलंद दिखाई दे रहे हैं। खेतों में छुपे
ड्रमों में भरी कच्ची लहन शराब का वीडियो अब सामने आया है और जानकारी मिल रही है कि इन्हीं खेतों में छिपे अवैध शराब के कारोबार को बढ़ाया जा रहा है। अब लोगों का सवाल यह है कि आखिर कब इन शराब माफियाओं पर कार्रवाई की जाएगी। औरैया जिले में एक दरोगा पर फर्जी मुकदमे में फंसाने और रिश्वत के रुपए मांगने की शिकायत को लेकर पीड़ित पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे, जिसके बाद शिकायत पर पुलिस अधीक्षक ने सख्त कार्यवाही करने का निर्देश दिया है। आरोपी दरोगा के खिलाफ भ्रष्टाचार SC ST एक्ट जैसी गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। वहीं पुलिस अधीक्षक की सख्त कार्यवाही में पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। मेरा नाम कल्लू सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? पुरवा बड़े के। ये क्या मामला आया? मामला ये सर था कि मैं मछली पकड़ने गया, दरोगा जी आए और हमसे कहा कि वो जाल उठा के ले आओ। तो हमने जब जाल लेके आए तो उन्होंने हमारा वीडियो बनाया और मुझे थाने ले गए। उसके बाद हमसे फर्जी मुकदमा 5 लीटर शराब लगा दी हम लोगों पर। सभी 5-6 लोग थे और जो मछली पकड़ रहे थे उनको भी ले गए और 5-5 लीटर शराब और हम पे 7,000 रुपये जो लिए हैं दरोगा जी ने रिश्वत के तौर पर, और उसकी हमारे पास रिकॉर्डिंग CD सब है। एक ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है जिसमें एक SI हैं लोकेश, उनके ऊपर एक व्यक्ति आरोप लगा रहा है कि पैसे लेकर के झूठे मुकदमे में उनको फंसा दिया गया है। इसकी जांच जो संबंधित CO हैं हमने उनको दे दी है और इसमें जो आवेदक हैं जिनकी जिन्होंने बताया कि इस तरीके झूठे उनको फंसाया, उनसे उनको बुला करके उनकी समस्या पूरी सुनी गई है और CO साहब इसमें जांच कर रहे हैं और इसमें आगे जो भी उचित लीगल एज वेल एज जो डिपार्टमेंटल एक्शन है वो इसमें लिया जाएगा। अच्छा क्या बताओगा, तो अब जब हम कुछ हुआ नहीं पे जब है तो रहे और क्या मुकदमा भुगतमा तो नहीं कट हुआ गिरू मुकदमा भुगतमा नहीं कट हुआ मैं जब पैसा देता हुआ टिक मारा ना हम पर पैसा ऐसा नहीं है और ना हटा दी दया दृष्टि इतनी करती हो बस इसका काम सुनो लेकर यार काम वाम थोड़ा बहुत देख लो फिर यार हमें समय नहीं है हमारे पास जा रहा है देखो सुरेंद्र यार समय नहीं लेगा सुरेंद्र हम तुरंत जा रहे थे बैड बैड मैसेज सुरेंद्र पहला पक्का लगा है ना वो निकल तो जाए क्या करें तुम्हारे लिए बताओ, ऐसा क्या करें टीवी पे चलवा दें सब आप दया दृष्टि करके टीवी पे चलवाएं फालतू की बकवास कर रहे हैं। हिंदू धर्म में करवा चौथ का त्यौहार सबसे अहम माना जाता है, इसे सबसे कठिन व्रत भी कहा जाता है। इस दिन सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए पूरी श्रद्धा और भक्ति भाव से व्रत रखती हैं। पूरे दिन बिना कुछ खाए पिए ये व्रत रखा जाता है और पति की लंबी उम्र की कामना की जाती है। रात में चांद का दीदार करके अपने पति के हाथों जल ग्रहण करके इस व्रत को महिलाएं तोड़ती हैं। वहीं करवा चौथ को लेकर बाजारों में काफी रौनक देखने को मिल रही है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लखनऊ, रायबरेली, औरैया, ये 3 जगह की तस्वीरें सामने आई हैं जहां बाजारों में काफी रौनक देखने को मिली है। लखनऊ में भी आप देख सकते हैं किस तरह से रौनक देखने को मिल रही है, रायबरेली, औरैया, जहां महिलाएं कपड़े और जेवरात चूड़ियों से लेकर 16 श्रृंगार की शॉपिंग कर रही है, खरीदारी कर रही है, जिसकी वजह से व्यापारियों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई है। उत्तर प्रदेश के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, आप बने रहिए प्राइम TV के साथ।